दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आचार्य पीयू कॉलेज, केवीएन यूनिवर्सिटी, बीएनआर पीयू कॉलेज, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, श्वेता डेंटिस्ट्री एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल। हम अलन से ये राशन डीलर्स हैं, यहीं पर ये कोरोना के वजह से हमारा अलन में अब तक 3 लोग डेथ हुए है। गवर्नमेंट जो रूल्स बोलता है वो रूल्स के हिसाब से हमें राशन बांट रहे दर महीना। बोले तो कैसा बांटने का, गवर्नमेंट पहला ओटीपी था रेशन दुकान में, अब ओटीपी बंद करे सा है, ये थंब ओटीपी पर। बोले तो भी कई लोग अनक्षरस्थ आते हैं, उन्हें लिखने पढ़ने के नहीं आता, ओटीपी बोले तो हमें उनका फ़ोन लेकर उनको संपर्क करना पड़ता है। बोले तो इसका मतलब क्या है, दर महीना हमें एक कम से कम 800-700 जनों को हम संपर्क करना पड़ता है। इसके वजह से हमारे डीलर्स को कोरोना हो को डेथ हुए सो है। इसके लिए हमारे को एक गवर्नमेंट को एक अपील कर रहे हैं, हमारे को ये हमारे डीलर्स लोगों को भी, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में 1000 डीलर्स लोग हैं, तो डीलर्स लोगों को कोरोना वॉरियर्स बोल को ये डेट्स गुलबर्ग गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में 1000 ये डीलर्स हैं, उनको कोरोना वॉरियर्स बोल को डिक्लेयर करना, और जो मरे सो है 3-4 जने, उनको जो कोरोना वॉरियर्स को फैसिलिटीज मिल रहा है, बीमा मिल रहा है, उनको जल्दी जल्दी मिलना बोल को हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं। आज हमारे पास कोविड-19 की वजह से क्या है, मिनिमम आज 3 लोग हमारे पास गुजर गए हैं अलन तालुका में, और वो लोगों को क्या है परिवार धन देना चाहिए। यह सरकार को हम पहले भी बोल चुके हैं, और यहाँ पे हमारे फूड मिनिस्टर आने के बाद उनको भी बोले हैं, और हमारे आडड़ित जो मंडली है उनको भी सुनाए, और हमारे पास जैसे कि हम भी कोरियर कोविड-19 की वजह से जो हमारे 3 डीलर गुजर गए, आज तक कोई हमारा ऑफिसर आकर उनको कोई पूछा ना कोई सांत्वन दिया, और हम भी एक कोरियर वॉरियर्स के जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, इतना सारा काम करते हुए हम लोगों को सरकार के तरफ से कुछ भी सहूलत नहीं मिल रही है, और हमारे डिमांड्स ऐसे हैं कि भाई यहाँ पर कोई हमारा डीलर्स कोई गुजर गया है तो उसे भी हम सरकार से यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें मिनिमम, जैसे कि 25 लाख रुपए दे रहे, 30 लाख रुपए दे रहे, हमें एटलीस्ट 20 लाख रुपए तो दीजिए, यानी कि उनका परिवार भी ठीक तरह से चले, और उनके बच्चों का भी एजुकेशन है, उनको भी एजुकेशन के वास्ते कुछ तो कुछ सरकार इनको भी सहूलत दे। गुलबर्ग में 983 डीलर्स हैं हम प्रेफरेंस शॉप्स के, और कोविड में चालू होके 8 महीने हो गया, उतना माहौल में भी हम हर एक पब्लिक को, कुछ कार्ड वालों को कोई तकलीफ बिना हमने पूरे माल डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। उसके साथ साथ कोविड का उसमें माहौल में भी कोरोना के कोविड का लॉकडाउन के माहौल में भी हमारे घर के परिवार का हमारा बिना सोचे हमने गरीबों को और स्लम एरियाओं में हर एक को सील डाउन रहे तो वहाँ उनके घर तक हमारे कार्ड होल्डर्स को माल पहुँचा है। हमारे पास जिला आडाली की तरफ से होंगे या हमारे फूड ग्रेन इलाके आहार इलाके से तरफ से होंगे, कोई मदद कोई सहकार नहीं मिला। और कैसा डॉक्टर्स कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज कैसा वॉरियर्स बोलते हैं, हम भी वॉरियर्स, हर महीना 2000-3000-4000 वो भी सलम एरिया में, उनके साथ तालुकात में आते हम आमने सामने, उतना तालुकात रहे तो भी हमारा जान का कुछ बिना सोचे हुए हमने काम किया है। मगर सरकार के तरफ से हमारा कमीशन के वो 6-7 महीने से हमारे कमीशन और ऑनलाइन और तरफ सब तरफ थम बंद किए है, महल में हो, थिएटर में हो, ऑफिस एली में हो, ऑफिस भी थम लेना बंद कर दिए, मगर रेशन दुकान में ऑनलाइन के ऊपर विदाउट थम नहीं दे सकते। और एक सहूलत की है ओटीपी, अनएजुकेटेड रहते उनका मोबाइल लेके हमें मारना पड़ता, उनके साथ संपर्क में आते हम डायरेक्ट संपर्क में आते, उसके लिए हमारे अलन तालुके के 2 और दूसरे तालुके में 1, ऐसा 3 लोग हमारे डीलर्स कोविड पॉजिटिव के से मृत्यु हो गए। उनके लिए हमारा ना आहार इलाके फूड सेक्शन वाले ना पूछते, ना सरकार पूछता, ना जिला आडलित भी पूछता, हम हमारा डिमांड है जो मरे जो है उनको परिहार देना। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आचार्य पीयू कॉलेज, केवीएन यूनिवर्सिटी, बीएनआर पीयू कॉलेज, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, श्वेता डेंटिस्ट्री एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल।